नमस्कार, चाणक्य IAS अकादमी में आपका स्वागत है। MCQ से संबंधित आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी द्वारा सुझाई गई जनसंख्या सीमा क्या है? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 50 लाख, ऑप्शन डी 1 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, जिसे स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन रोड मैप बनाने के लिए केंद्र द्वारा काम सौंपा गया था, ने 2027 तक 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले 60 से अधिक शहर हैं, उनमें से सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में दिल्ली और NCR, मुंबई, कोलकाता, पटना, कानपुर और हैदराबाद शामिल है। एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी की अगर हम सिफारिशों की बात करें तो कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने 2024 से शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन बेड़े से डीजल बसों को बाहर करने का सुझाव दिया है। सार्वजनिक परिवहन के लिए CNG 2035 तक जारी रह सकती है। संक्रमण ईंधन के रूप में CNG के साथ EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तन पर दीर्घकालिक ध्यान, जो 10 से 15 वर्ष तक है, देने की सिफारिश की है। फ्लेक्स ईंधन क्षमताओं और हाइब्रिड वाले वाहनों को लघु और मध्यम अवधि में बढ़ावा दिया जा सकता है। यह कराधान जैसे राजकोषीय उपकरणों के प्रयोग के माध्यम से किया जा सकता है। EVs के लिए सब्सिडी वाली FAME II योजना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को मार्च 2024 से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पैनल अधिक टिकाऊ वाहन सेगमेंट के लिए प्रति इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम सब्सिडी की मात्रा बढ़ाने की सिफारिश भी करता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात इल्सा से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए पूर्वी पेरू तट, ऑप्शन बी पूर्वी इक्वेडोर तट, ऑप्शन सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट, ऑप्शन डी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट। हाल ही में 8 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात इल्सा 289 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट से टकराया। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो ने कहा कि चक्रवात इल्सा ने श्रेणी 5 के तूफान के रूप में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य के पिलवाड़ा तट को पार किया, लेकिन बाद में इसकी गति घटी और यह श्रेणी 2 की कमजोर तूफान में बदल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिक्री के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निम्नलिखित में से किस सरकारी बीमा योजना को प्राथमिकता दे रहे हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ऑप्शन सी स्वामित्व योजना, ऑप्शन डी PM किसान सम्मान निधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में प्रमुख सरकारी बीमा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बिक्री का लक्ष्य रखा है। साथ ही वित्तीय समावेशन योजनाओं जैसे मुद्रा योजना और स्टैंडअप इंडिया योजना के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहकों को हर साल रिन्यू करने के बजाय इन पॉलिसी को कई साल के लिए खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लगभग 8.3 करोड़ और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 23.9 करोड़ लाभार्थी हैं। पिछले साल वित्त मंत्रालय ने 1 जून 2022 से वार्षिक प्रीमियम की दर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 330 रुपये से 436 रुपये और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 12 रुपये से 20 रुपये बढ़ाकर संशोधित किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के उन लोगों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान करता है जिनके पास बैंक या डाकघर खाता है, जो प्रीमियम के ऑटो डेबिट में शामिल होने या सक्षम करने की सहमति देते हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बैंक या डाकघर खाते के साथ
जो प्रीमियम के ऑटो डेबिट में शामिल होने या सक्षम करने के लिए सहमति देते हैं 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों को आकस्मिक मृत्यु या कुल स्थायी विकलांगता के लिए 2,00,000 रुपये और आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 1,00,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान करता है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रणनीतिक कमजोर इलाकों में वन रक्षकों की तेजी से आवाजाही के लिए बैली ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लकड़ी के ढांचे को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बैली ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है। पुलों से मार्गों को छोटा करने, वन रक्षकों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाने और काजीरंगा के 223 अवैध शिकार विरोधी शिविरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पुल 4 मीटर चौड़े और 30 से 100 मीटर लंबे होंगे। बाढ़ के दौरान संचार समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान करेंगे और दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे। बैली ब्रिज एक प्रकार का पोर्टेबल प्री फैब्रिकेटेड ट्रस ब्रिज है। इसे 1940-41 में ब्रिटिश द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य उपयोग के लिए विकसित किया गया था। आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किसान संकट सूचकांक या फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स को विकसित किया गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किसान संकट सूचकांक कृषि संकट की भविष्यवाणी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। सूचकांक 7 ब्लॉकों में विभाजित 21 सरल प्रश्नों पर बनाया गया है, जिसमें किसानों के वित्तीय, भावनात्मक और अन्य मापदंडों को शामिल किया गया है। एक कमजोर गांव या मंडल की पहचान करने के बाद किसानों से प्रश्न पूछे जाएंगे और डेटा को ऐप में डाला जाएगा, जो प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। सूचकांक इसकी वास्तविक घटना से कम 3-4 महीने पहले आसन्न संकट को महसूस कर सकता है, जिससे निवारक कदम उठाए जा सकते हैं। किसान संकट सूचकांक के लिए वेब एप्लीकेशन और एंड्रॉयड ऐप का बीटा संस्करण तैयार किया गया है। किसान संकट सूचकांक संभावित संकट की गंभीरता और आयामों को मापने और स्थानीय सरकारों को समय पर कार्रवाई करने के लिए सूचित करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने कुल 5 प्रश्नों को देखा। आशा है कि आपने हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट किया होगा। कृपया कर कमेंट सेक्शन में आप हमें यह जरूर बताएं कि आपके कितने अटेम्प्ट सफल रहे हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।